बंधुओं भगवा प्रणाम, वंदे मातरम। हिंदू समाज के लिए बुद्धिजीवी पहल करें की दूसरी श्रृंखला मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आज सभी धर्मों को मानने वालों की नजर सनातन धर्म की वर्तमान स्थिति पर ही है। वर्तमान स्थिति को ही हिंदू समाज की नियति मान लिया गया है। आगे पीछे का विचार करने की आवश्यकता आज लोग करना नहीं चाह रहे, और अगर विचार विमर्श हो भी रहा है तो वर्तमान स्थिति पर ही तर्क वितर्क, बहस और तथा आपस में ही घमासान मचाने की होड़ लगी है। हमारे समाज के रचनाकार, जिन्होंने सभी जीवों में परमात्मा का दर्शन किया, कण कण में भगवान का साक्षात्कार किया और सभी मानव जाति को कुटुंब के रूप में देखा, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। आज की वर्तमान स्थिति हिंदू समाज की वास्तविक स्थिति नहीं है। हमें हिंदू समाज की स्वाभाविक स्थिति व व्यवस्था को खोजना पड़ेगा, जिसके लिए मैं अतीत का अवलोकन करना जरूरी समझता। हमारे हिंदू समाज में कुछ भ्रम फैले हुए हैं जिसका निवारण है, जिसे मैं मित्रों आपको बताना जरूरी समझता हूँ। एक भ्रम समाज में यह फैला हुआ है कि वर्ण व्यवस्था में छुआछूत के कीटाणु विद्यमान है, किंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुस्लिम आक्रमणों के पूर्व हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था तो थी, लेकिन छुआछूत नहीं था। उस काल में शुद्ध अस्पृश्य नहीं थे। ये दोनों बातें अलग अलग है, इनका एक दूसरे से संबंध नहीं है। शूद्र व अस्पृश्य एक नहीं, अलग अलग स्थिति है। जैसे प्रसूति अवस्था में मां अस्पृश्य हो जाती है, किंतु अवस्था समाप्त होने के बाद सामान्य हो जाती है। सभी समाजों में स्वच्छता के दृष्टि समान रहती है। जैसे हृदय रोगियों के कमरे में जूते पहनकर नहीं जाने की जाने नहीं दिया जाता, या संक्रामक रोगों में शेष लोगों में से रोगी को अलग रहने की सलाह दी जाती है। ऑपरेशन के बाद बिना स्नान किए डॉक्टर अस्पृश्य ही रहते हैं। अस्पृश्यता अस्थाई होती है, जो परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यह हमारे चिंतन का विषय नहीं है। समाजगत जन्मना छुआछूत वह अवस्था है जिसमें जन्म से ही कुछ लोग अस्पृश्य मान लिए जाते हैं। हमारे चिंतन का विषय यही वर्गगत जन्मना और छुआछूत है। रहा सवाल अतीत का, तो हमें दूर बहुत जाने की जरूरत नहीं है। सन 712 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक हिंदू समाज निरंतर विदेशी आक्रांताओं से जूझता रहा है। हिंदू समाज का अध्ययन हेतु कालखंडों के बीच विभाजन रेखा खींचनी हो तो 712 हो सकती है, क्योंकि मुस्लिम आक्रमणों की श्रृंखला यहीं से शुरू होती है। हिंदू समाज को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, वैभव व विजय का कालखंड, पराजय व गुलामी का संघर्ष काल। इन दोनों कालखंडों का सम्यक विश्लेषण करने के बाद ही छुआछूत के संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, जिनका वर्णन मैं आगे की श्रृंखलाओं में जरूर करूंगा। जय हिंद।